नमस्कार देवी और संजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए गेम प्ले के अंदर। मैं खेल रहा हूँ टाटा IPL 2023 का एक और नया गेम प्ले, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जो हो रहा है इडन गार्डन में। और आज मैं खेल रहा हूँ CSK को लेके, और यहाँ पे मेरा प्लेइंग 11 देख सकते हैं। शिवम दुबे को खिलाया है आज मैंने, और यहाँ पे मिचेल सैंटनर को भी खिलाया है। बाकी सब एकदम सेम है। आज मैंने अंबती रायडू को बिठा दिया है बेंच पे, उसके जगह शिवम दुबे को खिलाया है, जिनके रहना तो है ही। MS धोनी, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स, महेश तिक्साना, तुषार देशपांडे और मिचेल सैंटनर, एक अतिरिक्त स्पिनर आज मैंने खिलाया है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे टॉस का टाइम और मैंने यहाँ पे हेड कॉल किया है, देखते हैं क्या गिरता है। और भाई टॉस जितना हमारे मतलब नसीब में है ही नहीं, एक बार भी मैं यहाँ पे शायद टॉस नहीं जीता हूँ। तो ठीक है, तो बॉलिंग का फैसला यहाँ पे KKR का और मुझे करना पड़ेगा बैटिंग। भाई ईडन गार्डन स्टेडियम में फर्स्ट बैटिंग करेगा चेन्नई सुपर किंग्स, और वैसे ये एक प्रेडिक्शन मैच है, 5 ओवर्स का प्रेडिक्शन मैच, रियल लाइफ के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। पहला ओवर डाल रहे हैं भाई उमेश यादव, और हमारे तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे हैं ऋतुराज गायकवाड और मोइन अली। पहला बॉल और कवर की दिशा में पहला शॉट और पहला चौका, बेहतरीन शॉट यहां पे ऋतुराज गायकवाड के बल्ले से, बहुत ही खूबसूरत शॉट। मुझे यहां मारना बहुत पसंद है क्योंकि ये जगह मेरा फेवरेट जगह है, एकदम गैप में मिलता है, शॉट में ज्यादा ताकत भी रहता है, देखने को भी बहुत ही क्लासी लगता है ये वाला शॉट। दूसरा बॉल, मगर इस बार जो है हमने खेल दिया सीधा मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद नहीं, वहां पे शायद चौका मिलेगा एक और। जी हाँ बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड भाई पेवलियन से आज सेट होके आए हैं। पहले बॉल में 4 रन, दूसरे बॉल में भी 4 रन, एक के बाद एक चौका। और यहाँ पे मिड विकेट की तरफ जो फील्डर था भाई, वो तीसरे घेरे के अंदर था, मिड ऑन पे था, जिस वजह से यहाँ पे चौका मिल गया हमें। चलो यहाँ पे तीसरा बॉल, ओवर का तीसरा बॉल, उमेश यादव क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करेंगे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर से वही पे बॉल और वही पे गैप, और वापस से एक और चौका, पूरा रिप्ले भाई, एकदम रिप्ले देखा हमने, सेम जगह पे बॉल, पहले बॉल का जो भाई रिप्ले था ये दूसरा है, ठीक है, मतलब पहले बॉल का रिप्ले है ये तीसरा बॉल। और तीन बॉलों पे लगातार 3 चौके भाई ऋतुराज गायकवाड। KKR के साथ मैच है तो थोड़ा हमें यहाँ पे रनों के तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि KKR के पास अच्छे स्पिनर्स है, वो रन रोक सकते हैं। तो मुझे जो तेज गेंदबाज है, थोड़ा गलत शॉट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो KKR के पास जो 2-3 स्पिनर्स है, काफ़ी ज़्यादा रन रोकने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं भाई, तो मुझे तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पे निशाना बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और भाई वाइड यॉर्कर का प्रयास, मगर इस बार भी गैप में, और यहाँ पे मिलेगा 4 रन, एक और चौका यहाँ पे, बेहतरीन शॉट ऋतुराज गायकवाड भाई। अभी तक तो भाई 5 गेंदों में 4 चौके मार चुके हैं, 4 चौके। चलिए आखिरी बॉल, अगर हम यहाँ पे एक और चौका मार सकते हैं तो 20 रन का ओवर यहीं पे निकल जाएगा, काफी बड़ा ओवर। और यहाँ पे भाई नहीं, इस बार नहीं हुआ। तो एक ओवर यहाँ पे समाप्त, एक ओवर के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान पे CSK। देखते हैं अगला ओवर कौन यहाँ पे डालता है। चलिए कौन है यहाँ पे, तो मोइन अली भाई हमारे अगले स्ट्राइकर इन पे रहेंगे मोइन अली। तो लॉकी फर्गसन, तो फर्गसन आए हैं भाई, दूसरा ओवर डालेंगे यहाँ पे। लॉकी फर्गसन को भी हमें जो है निशाना बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ओवर में 16 रन हमने कलेक्ट किया है, तो इस ओवर में भी लगभग 12-13 रन तो मुझे चाहिए। पहले बॉल में बढ़िया शॉट यहाँ पे मोइन अली का, सीधा खेल दिया भाई, एकदम स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से निकाल दिया गेम, और सीधा 4 रन के लिए। फील्डर वहाँ पे भाई मौजूद नहीं था, एक फील्डर था जो कि तीसरे घेरे के अंदर था, स्क्वायर लेग का फील्डर, और जो लॉन्ग ऑन का फील्डर था वो थोड़ा वाइड था, जिस वजह से यहाँ पे गैप मिला और 4 रन भाई। पहले बॉल में ही यहाँ पे मोइन अली ने चौंका दिया है फर्गसन को। दूसरा बॉल जो है यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद, मगर इस बार खेलना चाहते थे भाई ऑफ स्टंप के तरफ, मगर फील्डर के हाथ में, कोई बात नहीं, बढ़िया वापसी यहाँ पे फर्गसन का, बढ़िया वापसी। तो अभी भी 4 बॉल बाकी है भाई, 4 बॉल में मुझे लगभग 10 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। यॉर्कर का प्रयास, और इस बार भी मिल गया मुझे गैप, मगर पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, कोई बाउंड्री नहीं। तो बढ़िया बैटिंग भाई यहाँ पे, स्ट्राइक रोटेट करने हैं दोनों बैट्समैन एक के साथ एक, तो ठीक है। चलिए सामने आ चुके हैं ऋतुराज गायकवाड, देखते हैं गायकवाड को कहाँ पे गेंदबाजी करते हैं। और मुझे यहाँ पे गैप तो भाई ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार जो है शॉर्ट पिच गेंद,
खेलना चाहते थे मगर इस बार जो है गैप में नहीं गया और फील्डर के हाथ में सीधा। मैं खेलना चाहता था भाई थर्ड मैन स्क्वायर के तरफ, जिस वजह से भाई वहाँ पे फील्डिंग मौजूद था। अच्छा हुआ कि कैच नहीं हुआ, तो ज़्यादा रन अभी तक बना नहीं है। 4 बॉल हो चुका है इस ओवर में और यहाँ पे बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, मगर 1 रन आसानी से। भाई इस ओवर में अभी तक सिर्फ 6 रन हुए हैं, सिर्फ 6। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था कि इस ओवर में मैं 12 से 13 रन जोड़ लूँ, मगर हुआ नहीं। ओवर का आखिरी गेम और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सामने है मोइन अली, खेल दिया है फिर से गैप में जा रहा है गेम और सीधा, जी हाँ, 4 रन के लिए एक और बार। तो बढ़िया, इस ओवर को थोड़ा यहाँ पे बड़ा बना दिया है मोइन अली ने, दो दो चौके जड़ दिए हैं एक ही जगह पे, सेम जगह पे भाई 2 चौके जड़ दिए। और यहाँ पे भाई 2 ओवर के बाद 26 पे CSK कोई नुकसान नहीं। यहाँ पे सुनील नारायण आए हैं भाई 30 ओवर यहाँ पे डालने के लिए, सुनील नारायण आ चुके हैं। चलिए, सुनील नारायण KKR के सबसे पावरफुल स्पिनर हैं, क्योंकि उनका जो गेंदबाजी करने का स्टाइल होता है भाई काफी खतरनाक। पहले बॉल में गैप मिल गया ऋतुराज गायकोट को, 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट। यहाँ पे गेम जो है अंदर आ रही थी, मगर यहाँ पे भाई गैप मिल गया ऋतुराज गायकोट को और यहाँ पे जड़ दिया 1 चौका। पहले बॉल में भाई नारायण को यहाँ पे नारायण नारायण कर दिया एकदम, नारायण नारायण, कोई बात नहीं भाई। दूसरा बॉल भी यहाँ पे सामने की तरफ, इस बार जो है थोड़ा मुझे लगा था कि ये बाहर की तरफ जाएगा, मगर यहाँ पे 1 रन आसानी से कंप्लीट करते हुए। तो बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे हैं, बढ़िया बैटिंग भी हो रहा है यहाँ पे CSK का। पहला बॉल जो है अंदर आया ऑफ ब्रेकर, दूसरा बॉल जो है भाई यहाँ पे दूसरा डाल दिया। तो यहाँ पे सामने आ चुके हैं मोइन अली, भाई थोड़ा शॉर्ट पिच गेम और हमने यहाँ पे हल्के हाथों से खेला। यहाँ पे सामने लॉन्ग ऑफ पे भाई फील्डर मौजूद, तो 1 रन यहाँ पे आसानी से ले लेंगे हम लोग। धीरे धीरे करके भाई ये जो स्पिनरों का जो ओवर जाता है भाई, इनको धीरे 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 खेलना पड़ता है, अदरवाइज भाई यहाँ पे स्पिनर काफ़ी हल्का फुल्का गेम करते हैं तो मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत लगता है। इस बार जो है ऋतुराज गायकोड़ ने स्ट्रेट खेला, मगर यहाँ पे सुनील नारायण ने पकड़ लिया। बढ़िया फील्डिंग, ऋतुराज गायकोड़ काफ़ी ज़्यादा फिट हैं इस साल और बढ़िया बैटिंग कर रहे, हर मैच में इनका बढ़िया बैटिंग चल रहा है। 4 बॉल हो चुका है ओवर का और 2 बॉल का बाकी है अभी भी खेल, तो देखते हैं यहाँ पे एक और बॉल यहाँ पे। बिल्कुल, मुझे लगा था ये अंदर आएगा भाई, इसलिए मैंने लेग स्टंप की तरफ खेल दिया और यहाँ पे 1 रन, मगर यहाँ पे शॉट में ज़्यादा ताकत नहीं, जिस वजह से भाई यहाँ पे चौका नहीं। तो 1 रन 1 रन करके हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं, जो मेरा रन रेट था भाई 12 से ऊपर, वो अब 11 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे अब जो है एक और सिंगल मिलेगा यहाँ पे, जी हाँ एक ही सिंगल मिलेगा। और 3 ओवर के बाद 34 पे कोई नुकसान नहीं यहाँ पे CSK। भाई सुनील नारायण ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे ओवर दिया। और अगर गेंदबाजी मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई पिच पे थोड़ा बाउंस ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा उछाल तो आता नहीं। वरुण चक्रवर्ती KKR के तरफ से, चौथे गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। और सामने है मोइन अली, भाई वरुण चक्रवर्ती भी इस साल काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन रहा है उनका। और ऑफ स्टंप के तरफ गेम मुझे यहाँ पे मौका मिला था, मगर टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ और यहाँ पे 1 रन आसानी से ले लेंगे। टाइमिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत स्पिनरों का जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा करने में मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी जो है तेज़ कभी जो है स्लो ऐसे गेंदबाजी कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है बैटिंग करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे दूसरा बॉल ओवर का, सामने है ऋतुराज गायकोड और इस बार जो है हल्के हाथों से खेला और सामने फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ पे, जिस वजह से 1 रन यहाँ पे आसानी से ले लेंगे। तो भाई पहले बॉल पे सिंगल, दूसरे बॉल पे सिंगल, तो 2 रन हुए हैं इस ओवर में। चलिए, यहाँ पे मुझे कुछ बड़ा शॉट के लिए तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सामने है मोइन अली और यहाँ पे बढ़िया शॉट करने के लिए भाई टाइमिंग सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, मगर 1 रन ले लेना है तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे 1-1 रन तो चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि डॉट बॉल हमने ज़्यादा दे दिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके डॉट बॉल कम हो, इस वजह से मैं सिंगल निकाल लेता हूँ। भाई एक बड़ा छक्का तो मुझे मारना ही पड़ेगा इस ओवर में और ये देखिए ऋतुराज गायकवाड के बल्ले से 6 रन, इनिंग्स का पहला छक्का यहाँ पे, 112 मीटर का छक्का भाई, बहुत बढ़िया शॉट। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आगे था गेम और गुडलेन से गेम किया और सीधे भाई जड़ दिया 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और यहाँ पे कप्तान थोड़ा फील्डिंग में बदलाव करते हैं, नीतीश राणा इस साल KKR के कप्तान,
और यहाँ पे भाई एक और बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, गैप मिला और गैप मिलते ही भाई ईडन गार्डन का आउटफील्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़, यहाँ पे रोकना बिल्कुल भी मुश्किल और यहाँ पे 4 रन देके चला गया। भाई ईडन गार्डन का जो आउटफील्ड है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और यहाँ पे भाई अगर गैप से बॉल निकल जाता है तो वो चौका देके ही जाता है। तो ओवर का आखिरी बॉल देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे करते हैं, सामने है ऋतुराज गायकवाड़, लेग स्टंप की तरफ खेल दिया मगर फील्डर वहाँ पे भी मौजूद और यहाँ पे 1 रन आसानी से ले लेंगे। काफ़ी सूझबूझ बड़ी बैटिंग, पहले एक छक्का उसके बाद एक चौका फिर सिंगल ले लिया। 4 ओवर के बाद 48 बिना किसी नुकसान पे CSK। आखिरी ओवर डालने आए हैं शार्दुल ठाकुर, तो यही शार्दुल ठाकुर कुछ सीजन पहले भाई CSK के लिए खेलते थे तो इस बार जो है कोलकाता के लिए खेलते हैं और थोड़ा यहाँ पे टाइमिंग में गड़बड़, यहाँ पे विकेट, ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट। भाई मुझे लगा था ये शॉर्ट पिच गेंद है, थोड़ा यहाँ पे उठा के मार दूंगा तो यहाँ पे 4 रन मिल जाएगा क्योंकि फील्डर जो है 30 से घेरे के अंदर, टाइमिंग में थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया और यहाँ पे भाई ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट। काफ़ी एक आसान सा कैच फील्डर के लिए और बहुत ही आसान सा कैच, वेंकटेश अय्यर थे फील्डर और यहाँ पे 17 गेंदों में 35 रन करके ऋतुराज गायकवाड़ भाई पेवलियन की तरफ चलते। शिवम दुबे को हमने आज खिलाया था तो शिवम दुबे को उतारते हैं, देखते हैं यहाँ पे शिवम दुबे कुछ अच्छा बैटिंग कर पाते कि नहीं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है शिवम दुबे और सामने आ चुके हैं शार्दुल ठाकुर, देखते हैं यहाँ पे भाई इस बार भी शॉर्ट पिच गेम और यहाँ पे 6 रन के लिए, जी हाँ बिल्कुल 6 रन और यहाँ पे एक और छक्का 100, ओ नो बॉल भाई, नो बॉल पे 6 रन मतलब 7 रन मिलेगा उसके साथ फ्री हिट अलग, बहुत ही क्या ही किस्मत है भाई, यहाँ पे नो बॉल पे छक्का लग गया। तो शिवम दुबे वापस से स्ट्राइक पे और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक और छक्का लगता है, एक और छक्का जाएगा, जी हाँ बिल्कुल एक और छक्का भाई, यहाँ पे फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए शिवम दुबे भाई 2 बॉल पे 13 रन बना चुके हैं शिवम दुबे, क्या ही बैटिंग किए हैं भाई ये 2 बॉल, बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो भाई यही है अंतिम ओवर का खेल क्योंकि आखिरी ओवर है और हम यहाँ पे विकेट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, एक के बाद एक 6 रन करने का ट्राई करेंगे और यहाँ पे भाई वापस से खेलने का ट्राई मगर इस बार थोड़ा यहाँ पे टाइमिंग में गड़बड़, फील्डर नीचे मौजूद और कैच आउट और यहाँ पे शिवम दुबे का एक और विकेट यहाँ पे गिर गया। CSK को दूसरा झटका भाई इस ओवर से, शार्दुल ठाकुर भाई बहुत ही खूबसूरत वापसी, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट पिच गेम डाल दिए थे मगर यहाँ पे शिवम दुबे ट्राई तो किए थे भाई। MS धोनी को उतारते हैं क्योंकि आखिरी शायद और 1 2 3 3 बॉल बचे हैं शायद, हाँ जी बिल्कुल 3 बॉल पे भाई अगर MSD स्ट्राइक पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक और छक्का देखने को मिलेगा। सामने है मोइन अली वापस से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार भी थोड़ा यहाँ पे टाइमिंग में गड़बड़ मगर यहाँ पे हम 1 रन आसानी से ले लेंगे और MS धोनी आ चुके हैं स्ट्राइक पे आखिरी का 2 बॉल यहाँ पे और यहाँ पे 1 बाउंस का इशारा, आखिरी 2 बॉल भाई MS धोनी को ही खिलाऊंगा मैं। यहाँ पे देखते हैं पहला बॉल शार्दुल ठाकुर, यहाँ पे थोड़ा हल्के हाथों से खेला और ये कैच हो सकता है, ओ फील्डर ने ट्राई नहीं किया, ये चौका चला गया भाई, ये चौका चला गया, ये कैच हो सकता था पूरा, यहाँ पे MSD का विकेट भी यहाँ पे गिर सकता था मगर यहाँ पे बढ़िया शॉट खेले महेंद्र सिंह धोनी। चलिए यहाँ पे आखिरी बॉल ओवर का और रन बन चुका है भाई 66 और ये वाला मुझे लग रहा है कि वाइड बॉल जाएगा, हो अरे स्कैम हो गया भाई मेरे साथ, अरे यार जी भाई मुझे लग रहा कि वाइड जाएगा मगर ये आके सीधे शरीर पे लग गया, तो एक बॉल जो हमारा था भाई वो हमने नष्ट कर दिया यहाँ पे। चलिए चलते हैं सीधा भाई CSK के बैटिंग स्कोर कार्ड पे, देख लेते हैं कौन यहाँ पे कितना रन किया है। ऋतुराज गायकवाड़ भाई 17 गेंदों में 35 रन करके आउट हो चुके हैं, मोइन अली 9 गेंदों पे 14 रन करके नॉट आउट, शिवम दुबे 3 गेंदों पे 12 रन करके आउट हो चुके हैं और MS धोनी 2 गेंदों में 4 रन करके नॉट आउट। टोटल रन बना है 66 का, 2 विकेट पे भाई CSK ने ये रन बनाया है। अब जो है KKR को 5 ओवर में भाई 67 रन करना पड़ेगा, 67 रन और यहाँ पे ओपनर रहमतुल्ला गुरबाज और वेंकटेश अय्यर दोनों उतरते हुए और हमारे पहले गेंदबाज भाई दीपक चाहर, देखते हैं यहाँ पे दीपक चाहर कितना अच्छा बॉलिंग कर पाते हैं। तो स्टैंडर्ड गेम से स्टार्ट करेंगे भाई हम लोग, एकदम सीधा गेम डालेंगे, थोड़ा यहाँ पे भाई शरीर के अंदर लाने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं
वो ये वाला गेम भाई क्या ही गया, थोड़ा अगर नीचे होता तो ये विकेट मिल जाता मुझे। एक और स्टैंडर्ड गेम, तो चलिए इस बार जो है एकदम सीधा रखेंगे, देखते हैं यहाँ पे खेल पाते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल खेल पाएंगे, ये देखो एकदम उड़ा दिया यहाँ पे और सीधा भाई चौका। तो यहाँ पे पहले गेम में डॉट हुए मगर दूसरे गेम में भाई यहाँ पे जड़ दिया है चौका। और गेम जो है एकदम विकेट टू विकेट था, एकदम सामने गिर गया। रहमतुल्ला गुरबाज को एक बहुत बढ़िया मौका मिला यहाँ पे। कोई बात नहीं, इस बार जो है हम थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर भाई एंगल रखेंगे, जिस वजह से ओ ये देखो गेम जो है थोड़ा यहाँ पे बाहर की दिशा में आता हुआ। अगर एज लग जाता तो यहाँ पे भाई विकेट कीपर के पास शायद एक कैच तो पहुँच ही जाता। इन स्विंग का ट्राई करते हैं भाई, यहाँ पे इन स्विंग का ट्राई करते हैं, थोड़ा ऊपर गेम रखेंगे, देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बढ़िया शॉर्ट फील्डर भाई तीसरे घेरे के अंदर, यहाँ पे भी एक और चार रन मिलेगा केकेआर को। जी हाँ बिल्कुल, स्क्वायर लेग का फील्डर भाई यहाँ पे हमने अंदर रखा था, जिस वजह से यहाँ पे भाई चार रन मिल चुके हैं केकेआर को। बढ़िया शॉट यहाँ पे रहमतुल्ला गुरबाज फील्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो एक और हम यहाँ पे आउटस्विंग का प्रयास करते हैं और इस बार भी शरीर की तरफ गेम भाई, यहाँ पे कैच हो सकता है, कैच हो सकता है। और अरे यार ऊपर से निकल गया भाई, कैच नहीं हुआ मगर यहाँ पे चार रन हो गया भाई यहाँ पे। शिट मैन, यहाँ पे एक विकेट भाई गिराने का पूरा मौका था मगर यहाँ पे भाई जो हमने आउट स्विंग डाला था वो काफ़ी ज़्यादा शरीर के अंदर आ चुका है, जिस वजह से एक बेहतरीन रूम मिल गया यहाँ पे रहमतुल्ला गुरबाज को। ये वाला बॉल का भाई लाइन और लेंथ एकदम ठीक ठाक और एक ओवर के बाद भाई 12 रन, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे केकेआर का। एक भाई विकेट गिर सकता था मगर यहाँ पे हुआ नहीं। वेंकटेश अय्यर और यहाँ पे हमारे गेंदबाज हैं मिचेल सैंटनर भाई सामने आ चुके हैं। वेंकटेश अय्यर थोड़ा यहाँ पे फील्डिंग में बदलाव करते हैं, तो चलिए ये वाला फील्डिंग रखते हैं। और मिचेल सैंटनर जो है लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं, ऑफ ब्रेकर हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए। तो पहला बॉल ऑफ ब्रेकर रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फ्लाइट देंगे और ये वाला भाई बढ़िया गेम और फील्डर के पास सीधा मोइन अली फील्डर और सीधा फील्डर के पास। यहाँ पे भाई रन होने का भी चांस है और रन ना देने का भी पूरा चांस है। सामने है वेंकटेश अय्यर भाई, काफ़ी अनुभवी बैट्समैन है और देखते हैं यहाँ पे कितना अच्छा हम गेंदबाजी कर पाते हैं इनके लिए। ये मिल गया भाई रूम, हाँ ये देखो ये मिल गया रूम और देखो एकदम जड़ दिया चौका। यहाँ पे वेंकटेश अय्यर बोलो या फिर कोई भी अच्छे खासे बैट्समैनों को मैं रूम नहीं देना चाहता मगर यहाँ पे रूम गिर गया, कुछ ज़्यादा ही ऑफ स्टंप के बाहर जो है गेम चला गया, जिस वजह से यहाँ पे एक चौका मिल गया। और धोनी बिल्कुल भी नाखुश होना ही चाहिए भाई, गलत गेंदबाजी यहाँ पे लाइन और लेंथ से थोड़ा यहाँ पे भटके। इस बार जो है मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा और ये वाला गेम करना चाहता था भाई, ये वाला गेम करना चाहता था कि ताकि रूम ना मिले भाई। और यहाँ पे विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो तो जितना विकेट टू विकेट गेंदबाजी होगा उतना ही बढ़िया होगा। चलिए इस बार टॉप स्पिन का प्रयास करते हैं, अगर यहाँ पे चौका ना जड़ दे। और इधर जो है भाई खेल दिया एकदम फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद वहाँ पे, दो रन आसानी से ले लेंगे। और जी हाँ बिल्कुल दो रन आसानी से ले लेंगे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दो बल्लेबाजों के भीतर। तो चलिए यहाँ पे एक और गेंदबाजी करते हैं और पांचवा गेम है इस ओवर का, 18 रन हो चुका है, 20 गेंद में 49 रन चाहिए, दूसरा का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा बैट्समैन को जो है यहाँ पे दिक्कत देते हैं, देखते हैं पढ़ पाते कि नहीं। जी बिल्कुल पढ़ पाए और फील्डर जो था भाई काफ़ी ज़्यादा दूर था फाइन लेग में और वहाँ का फील्डर आके भाग के भाई गेंदबाजी फेंकेगा तो भाई दो रन तो आसानी से ले ही लेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा गैप था वहाँ पे। ओवर का आखिरी गेम और आखिरी गेम सामने वेंकटेश अय्यर, देखते हैं यहाँ पे ऑफ ब्रेकर वापस से, यहाँ पे देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं। अभी तक तो कोई विकेट नहीं और इस बार जो है यहाँ पे हमने अपील तो किया है मगर काफ़ी दूर था भाई, काफ़ी दूर था, ठीक है नो डीआरएस भाई, यहाँ पे डीआरएस नहीं लेंगे, काफ़ी ज़्यादा दूर था। और यहाँ पे गेंदबाजी देखिए और ये देखिए हर गेम जो है विकेट के ऊपर जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिच में थोड़ा सा बाउंस तो ज़्यादा है। ऑलराइट, तो इस बार जो है मैं सोच रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा या फिर तुषार देशपांडे, महेश थिक्साना को देते हैं क्योंकि वो स्पिनर है, ऑफ ब्रेकर स्पिनर है, या फिर रविंद्र जडेजा, महेश थिक्साना ही ठीक है भाई, महेश थिक्साना को देते हैं। चलिए यहाँ पे दो ओवर हो चुका है और दो ओवर के बाद रन कितना बना है यहाँ पे केकेआर का, दो ओवर के बाद 20 रन,
बिना किसी नुकसान पे और 18 गेंदों पे 47 रन चाहिए। थोड़ा यहाँ पे फील्डिंग में बदलाव करते हैं, रुकिए, चलिए ये वाला फील्डिंग सेटअप रखते हैं। और पिछले मैच में भाई महेश दीक्षाना काफ़ी ज़्यादा महंगे हुए थे, इस बार ना हो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे अच्छा। और ये बढ़िया गेम था, ये बढ़िया गेम था, थोड़ा यहाँ पे अच्छा गेंदबाजी महेश दीक्षाना को यहाँ पे मैं करवाता हूँ, देखते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे हो पाता है। रहमतुल्ला गुरबाज है स्ट्राइक पे और एक भी विकेट अभी तक हमने केकेआर का नहीं गिरा पाया, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हम बिकतू दे पाते हैं कि नहीं। एक और बार और ये भाई बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, और पीछे फील्डर मौजूद है, दो रन तो ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे दो रन करके जाएगा तब भी ये हार जाएगा केकेआर, वैसे नहीं। 16 गेंदों पे 45 रन चाहिए भाई, ठीक है, तो वैसे भी हम थोड़ा यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी डाल देंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। एक और ऑफ ब्रेकर डालते हैं यहाँ पे, इस बार देखते हैं थोड़ा यहाँ पे बढ़िया बढ़िया बॉलिंग भाई। यहाँ पे फील्डर पीछे पीछे भाग रहे हैं भाई, ये चौका जाएगा क्या, चौका जाएगा क्या, और बढ़िया फील्डिंग भाई, बहुत ही नाइस फील्डिंग यार, एक रन यहाँ पे ज़रूर बचा है भाई टीम के लिए। और यहाँ पे एक एक रन भाई अगर हम सेव करेंगे तो ये मैच हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो चौका जा रहा था वो वहाँ पे क्या ही भाई पार्टनरशिप फील्डिंग किया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए सामने आ चुके हैं वेंकटेश अय्यर और इनको हम यहाँ पे देंगे टॉप स्पिन देने का यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे खेल पाते कि नहीं। जी बिल्कुल खेल पाए, मगर इस बार जो है जो गैप में गया ये लग रहा है कि चौका जाएगा, काफ़ी तेज़ जा रहा है। देखिए आउटफील्ड इतना ज़्यादा तेज़ है ईडन गार्डन का कि यहाँ पे गेम एक बार गैप में चला गया तो उसको भाई रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और वेंकटेश अय्यर भाई किस तरफ खेलना चाहते थे, इस तरफ ही, मुझे पता नहीं, मगर ये शॉट काफ़ी बढ़िया था। चलिए यहाँ पे पांचवा बॉल डालते हैं, ये भाई ये वाला बॉल मैं करना चाहता था तब से, मगर ये वाला बॉल आ नहीं रहा था, तो कोई बात नहीं। चलिए ओवर का आखिरी बॉल, इस बॉल जो है कैच का मौका, यहाँ पे पूरा कैच भाई, फील्डिंग नीचे मौजूद, गेम जो है हवा में धीरे धीरे आ रहा है और पूरा कैच का मौका। अरे यार पता नहीं इस गेम को क्या हो गया, एक भी कैच यहाँ पे नहीं ले पा रहे मैं भाई। यहाँ पे वेंकटेश अय्यर का भाई कैच छोड़ दिया या फिर मैच छोड़ दिया भाई, मुझे नहीं पता, इतना बुरा कैच कौन छोड़ता है भाई, मोइन अली को देते हैं। चलिए भाई इतना बुरा कैच, इजी कैच था एकदम, शिट, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक किया भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। ऑफ ब्रेकर डालते हैं यहाँ पे मोइन अली को कह रहे हैं रहमतुल्ला गुरबाज को, और ये देखिए ऑफ ब्रेकर डाले और यहाँ पे बढ़िया एक शानदार चौका फील्डर के ऊपर से भाई, कवर के फील्डर के ऊपर से सीधा यहाँ पे खूबसूरत शॉट रहमतुल्ला गुरबाज का। और मोइन अली भाई यहाँ पे पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुके हैं कि पहले बॉल में इनको पड़ गया है चौका भाई। चलिए इस बार आर्म बॉल डालने का एक ट्राई करते हैं, आर्म बॉल डालते हैं, देखते हैं यहाँ पे, और ये भी गया गैप में, ये भी गया गैप में भाई, फील्डर मौजूद नहीं, और ये भी गया गैप में और ये भी चौका दे जाएगा। जी हाँ एकदम, यहाँ पे मोइन अली भाई एकदम भी नाखुश, मतलब उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे गेंदबाजी करे भाई, यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे पीट रहा है। तीसरा गेम इस ओवर का, थोड़ा यहाँ पे बढ़िया गेम कर दे, थोड़ा शॉर्ट पिच रखा था इस बार मैंने, और फील्डर मौजूद हो चुके हैं और यहाँ पे भाई दो रन ले लिए भाई, ठीक है दो रन ले लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे 10 गेंदों में कितना चाहिए मुझे दिखा, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, अच्छा 9 गेंदों में 26 रन चाहिए, तो थोड़ा बहुत रन तो भाई अगले ओवर के लिए बचाना पड़ेगा ना, जो कि हमारा आखिरी ओवर होगा। ये भाई ये जा रहा है एक और कैच के लिए, पीछे की तरफ चला गया ये इस बार, और भाई इस बार कैच कर ले प्लीज़, इस बार कैच कर ले, छोड़ियो मत, मैं थोड़ा धीमे यहाँ पे बॉल के ऊपर आके यहाँ पे कैच करता हूँ। जी हाँ यहाँ पे कैच हो गया, यस पहला विकेट यहाँ पे केकेआर का भाई मिल चुका है, मोइन अली ने दिलाया भाई विकेट यहाँ पे, रहमतुल्ला गुरबाज का विकेट यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत विकेट, और काफ़ी दूर से जो फील्डर भागते हुए आए, मगर इस बार जो है कैच करने में हम जो है सक्षम हो गए, यहाँ पे कैच ड्रॉप नहीं हुआ, और बढ़िया बढ़िया विकेट है, बहुत ही बढ़िया विकेट, यहाँ पे कैच लिया था भाई अजिंक्य रहाणे ने, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे ने, यहाँ पे कैच लिया था। रहमतुल्ला गुरबाज जो है 27 रन करके आउट हो गए। श्रेयस अय्यर आए हैं जो कि एक्स कैप्टन है केकेआर के,
इनके लिए भाई ऑफ ब्रेकर ही लाऊंगा मैं, देखते हैं यहाँ पे ऑफ ब्रेकर से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। दो बॉल बचा है इस ओवर का और अरे धोनी यार, धोनी ने कैच मिस कर दिया, यहाँ पे बढ़िया कैच था यहाँ पे, शिट धोनी ने कैच मिस कर दिया भाई। चलिए आखिरी बॉल डालते हैं, 7 गेंदों में 26 रन चाहिए, ये वाला बॉल तो मुझे डॉट करना ही पड़ेगा ताकि जो लास्ट ओवर है वो हमें 26 रन रह जाए। मगर यहाँ पे घूम के रिवर्स स्वीप और यहाँ पे गैप में चला गया, 4 रन दे जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, तो 26 रन से भाई 4 रन चला गया, मतलब 22 रन रह गए लास्ट ओवर में, 22 रन चाहिए और हम देंगे भाई रविंद्र जडेजा को, क्योंकि स्पिनर जो है थोड़ा यहाँ पे आज जो है मुझे लग रहा है कायदे में गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि महंगे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा कायदे में है। तो रविंद्र जडेजा सामने है वेंकटेश अय्यर, इनके लिए ऑफ ब्रेकर लाएंगे हम लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, और ये भी घूम के यहाँ पे खेल दिए और बहुत ही बढ़िया शॉट, यहाँ पे 4 रन जाएगा, फील्डर काफ़ी दूर, जी हाँ बिल्कुल 4 रन जाएगा भाई, यहाँ पे मिड विकेट के तरफ से खेल दिए थे सीधा और यहाँ पे 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट। वापस से ऑफ ब्रेकर डालेंगे, कोई बात नहीं, हम ऑफ ब्रेकर ही डालते हैं यहाँ पे, और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार भी हाथ खोलने का मौका मिल गया और सीधा जड़ एक और चौका, इस बार जो है मिड ऑफ के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भाई, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया चौका। थोड़ा यहाँ पे फील्डिंग यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, एक फील्डर मैं वहाँ पे लगा देता हूँ ताकि वहाँ पे बड़े शॉट ना हो, क्योंकि 4 गेंदों में 14 रन चाहिए भाई, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्ट हो रहा है धीरे धीरे, और ये वाला बॉल काफ़ी बढ़िया भाई, ये वाला बॉल काफ़ी बढ़िया, 3 गेंदों में 14 रन, तो हो सकता है हम ये मैच जीत जाए और हो भी सकता है हम ये मैच हार जाए, मगर देखते हैं क्या होता है। इस बार भी रिवर्स स्वीप, मगर फील्डर के हाथ में, भाई जीत गए भाई, 2 गेंदों में 14 रन चाहिए और ये इम्पॉसिबल है अगर मैं कोई नो बॉल ना करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कितना ज़्यादा हम रन बचा पाते हैं। ये देखो एक और खेल दिया यहाँ पे और सीधा फील्डर मौजूद था, मगर यहाँ पे 4 रन दे गए, तो एक बॉल पे 10 रन चाहिए KKR को जीतने के लिए, और यहाँ पे CSK भाई मैच जीतता हुआ, हम जो है एक ही विकेट यहाँ छटका पाए हैं KKR के लिए, और ये भाई आखिरी गेम में विकेट, ओह आखिरी गेम में भाई एक और विकेट मिल गया रविंद्र जडेजा के वजह से, और यहाँ पे 2 विकेट KKR का, KKR ने भी हमारे 2 विकेट छटकाए थे और हमने भी KKR के 2 विकेट छटकाए, बहुत ही बढ़िया। वेंकटेश अय्यर 15 गेंदों में 26 रन करके यहाँ पे आउट हो चुके हैं, MS धोनी थे पीछे कीपर और काफी अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पे, तो मैच का स्कोर कार्ड देख लेते हैं, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ 17 गेंदों में 35 रन करके आउट हो चुके हैं, मोइन अली 9 गेंदों में 14 रन करके नॉट आउट, शिवम दुबे 3 गेंदों में 12 रन करके आउट हो चुके हैं, MS धोनी 2 गेंदों में 4 रन करके नॉट आउट। भाई यहाँ पे अगर KKR के गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर को भाई यहाँ पे 2 विकेट मिला है और 18 रन देके, और यहाँ पे किसी को विकेट नहीं मिला है। भाई KKR की बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे रहमतुल्ला गुरबाज 13 गेंदों पे 27 रन करके आउट हो चुके थे, वेंकटेश अय्यर आखिरी विकेट गया यहाँ पे 15 गेंदों पे 26 रन करके आखिरी विकेट गया, और श्रेयस अय्यर भाई 2 गेंदों पे 4 रन करके नॉट आउट रहे। यहाँ पे विकेट मिला है रविंद्र जडेजा को और मोइन अली को, बाकी सभी जो बॉलर है किसी को विकेट नहीं मिला, मगर चेन्नई के बॉलर आज बॉलिंग जो है ठीक ठाक ही हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, 9 रनों से यहाँ पे CSK मैच जीतते हुए। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मैच ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो 1 लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और एक नए मैच में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।